नमस्कार, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। कुवैत में अगर भाई साहब कुवैत के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ऐसे 11 जॉब मैं बताने वाला हूँ। कौन से जॉब हैं? 11 प्रकार के जॉब हैं जिसमें आप जाओगे तो गारंटी के साथ 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। कुवैत जाने वाले को वीडियो देखना चाहिए, सबूत दिखा बताऊंगा भैया प्रैक्टिकल। वो नहीं है कि वो वैकेंसी आई है वहां अप्लाई कर लो, नहीं। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया में हैं और इंडिया से कुवैत जाना चाहते हैं, कुवैत पहली बात तो क्यों जाना चाहिए? गल्फ कंट्रीज में कुवैत में सबसे अच्छी सैलरी मिलती है, सिक्का उनका हाई है तो ठीक ठाक है, समझ गए। इसलिए हर आदमी कुवैत जाना चाहता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से में जाएं, कौन सा वीजा में जाएं, वीजा कहां से मिलेगा और वहां पे जाके कितना पैसा कमा सकते हैं, किन किन लोगों को ये वीजा में जाना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। 11 प्रकार के जॉब, या तो आप इनमें से आते होंगे, आपको नहीं आते तो भाई साहब ट्रेनिंग ले लो, सीख लो। अगर यार आपको 15-20-25 हज़ार की नौकरी करने से तो बढ़िया कि आप 6 महीना इंडिया में मेरे कहने से दे दो। अगर इनमें से कोई काम नहीं आता है, काम सीख के ट्रेंड होकर जाओ, 1 लाख रुपए की गारंटी है। वीजा कौन सा है उस पर हम बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई शुरुआत कर लेते हैं 11 जॉब में बताने वाला हूं और उनमें से बहुत सारे लोगों को आपको पता भी है इसमें। ये है भाई साहब फोरक्लिफ्ट जॉब। जी हाँ, कुवैत में जॉब है यहाँ पे। एक तो ये फोरक्लिफ्ट जॉब होता है, एक होता है लिफ्ट का जॉब, जो आपने देखा होगा कुवैत में अक्सर आप जो जॉब करते होंगे उनको भी पता है भैया ये अच्छा खासा ट्रेंड आजकल इंडिया में भी चल रहा है लिफ्ट वाला। जी हाँ, अब लिफ्ट का जॉब की मैं बात बताता हूँ। पहली बात तो बहुत सारी इनका तो पता आप सबको, लेकिन ये जो लिफ्ट वाला जॉब है ना, ये कुवैत में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यकीन करिए कि इस जॉब में सबसे ज्यादा कमाई है। कमाई कैसे है कि भाई इंडिया में तो चलो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वहां पे क्या है कि किसी भी लोग, कोई भी लोग वहां के लोकल आदमी, मकान तो वही बनाते हैं, हर घर 2-3 मंजिल होता है कम से कम, उसमें भी भाई साहब लिफ्ट का प्रयोग होता है। ये लिफ्ट दिख रहा है, यानी मॉल कंपनी वो तो अलग छोड़ दो, हर घर में, हर घर जो 3 मंजिल का 2 मंजिल का है ना, वो लोग भाई इतनी मेहनत नहीं करेंगे, सीढ़ियों से चढ़ना पड़े। इस जॉब में आप जाते हो तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, और इस जॉब में पहली बात तो आपको आता होगा, इसमें करना क्या होगा भैया, आपको ये सीखना पड़ेगा मैकेनिक। जी हाँ, इसको ठीक करने का, सर्विस का काम की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप इसको नई बिल्डिंग बनती है तो ये बनाने का काम भी होता है, लिफ्ट जो सेट करने का, इसके इससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं आप, हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी वही रखता है जो काम करता है, समझ गए, हम एक आइडिया दे सकते हैं। इस काम में अगर आप जाते हैं तो भाई साहब बहुत ज्यादा पैसा है और आप यकीन करें 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इस काम में कमा सकते हैं। जी हाँ, अब 1 लाख रुपए आप सोचोगे यार कौन देता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात भी कर लूँ कि वीजा, वीजा की बात करें ना भाई साहब, वीजा, ये वीजा है, एक वीजा है सी कंपनी का, एक वीजा है एच आजाद, ए जी आजाद वीजा मान लो। अब आपको जाना कौन सा, अगर आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में तो भाई तनख्वाह कम रहेगी, ये मान लो आप 40-50 हज़ार रुपए इसमें कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी काम में आजाद वीजा में जाते हैं, जी हाँ आजाद वीजा का मतलब होता है, समझ रहे हैं, सोन का वीजा, एक होता है खादम का वीजा। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि खादम के वीजा में न जाएं, खादम का घरेलू नौकर के वीजा को पैसा लेके वो लोग कर देते हैं कि आप बाहर काम कर लो, इस वीजा में रिस्क होती है। इस वीजा में अगर सोन के वीजा में जाते हैं तो भाई साहब 1 लाख रुपए आपका महीने का कोई रोकने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मेरे बहुत से जानकार रिश्तेदार कुवैत में हैं, अच्छा खासा पैसा वो लोग कमा रहे हैं। अब सेकंड जॉब की बात कर ले भाई, एसी मैकेनिक। जी हां, ये एसी मैकेनिक का दिख रहा होगा, कुवैत में एसी मैकेनिक की बात करें तो भाई साहब 40-50 डिग्री पारा वहां पे रहता है, सबको पता है। अब 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 3 महीने में तो नॉर्मल ठंड पड़ती है, बाकी 9 महीने में भयंकर हॉट यानी गर्मी पड़ती है। अब आप यकीन करें वहां तो भैया बिना एसी के तो आदमी चल नहीं सकता, लोग बड़े वीआईपी, उनके तो बाथरूम में भी एसी लगा होता है, बाकी गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, सब जगह आप जहां काम करते हैं एसी है, जहां आप रहते हैं वहां पर भी एसी है। तो आप यकीन करिए सबसे ज्यादा भयंकर वाली जॉब है ये। इस जॉब में अगर आप एसी में कमाते हैं तो बहुत कम पैसे में आप दुबई कुवैत जा भी सकते हैं, और ये काम मिलेगा कैसा, ये इसमें भी दो बात है, अगर आप किसी मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाते हैं, ठीक है जी, मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाते हैं, इंटरव्यू देके भी जा सकते हैं, तो 30-35 हज़ार रुपए से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखना मैन पावर ऑफिस को 30-35 हज़ार से ऊपर मत दो आप। अब लेकिन आप लोग यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार पैसे तो लोग ज्यादा मांगते हैं, लेकिन ये मैन पावर कहाँ मिलेंगे भाई साहब, या तो आपको मेन जगह मिलेंगे बॉम्बे, ठीक है जी, या फिर आपको मिलेंगे दिल्ली, आपको दिल्ली या बॉम्बे मैन पावर, अब यहाँ से आप राजस्थान में अप्लाई कर रहे हो, यूपी बिहार में अप्लाई कर रहे हो, पंजाब हरियाणा में कर रहे हो, तो ये लोग तो यहीं से काम लेके आते हैं ना, ये 30-35 में यहाँ से लेके आएंगे, ये आपको 70-80-90 लाख रुपए ले लेंगे तनखा आपको जी, एसी के मैकेनिक में 40 हज़ार की तनखा है जी, 1 लाख लेंगे, पैसा जस्ट डबल कर देते, तनखा तो सब वही मिलनी है, 30 हज़ार देके जाओगे तो भी वही तनखा मिलनी है, 1.5 लाख देके जाओगे वीजा की तो भी वो मिलनी है वही। अगर आप इसको वीजा को थोड़ा सा कैटेगरी चेंज कर देते हैं, आजाद वीजा लेके जाते हैं, तो आप यकीन करिए इस वीजा में 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना, जी हाँ कोई रोकने वाला माई का लाल नहीं है, 1.5 लाख रुपए तक महिला एसी में के जॉब में लोग कमाते हैं, गारंटेड कमाते हैं, आप मेरे से लिखित में ले सकते हैं। वो लोग खुले में काम करते हैं, ओपन में, आजाद वीजा होता है, वीजा जेब में, पासपोर्ट जेब में, सब कुछ, सोन का वीजा होता है पैसा, हालांकि उस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप 1-1.5 लाख भाई कहां माल्टा के चक्कर में, यूरोप के चक्कर में घूम रहे हैं,
यहाँ जाओ ना आप कुवैत में। हाँ गर्मी है मानता हूँ, लेकिन आप भी इंडिया में भी तो गर्मी में रह रहे हैं ना, आप यहाँ इसी से निकल के थोड़ी जा रहे कुवैत गर्मी में, पैसा तो मिलेगा आपको अच्छा खासा। अब थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं जॉब की। ये जॉब ऐसा मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर दूँ किसी को अच्छा लगे न लगे। सैलून, जी हाँ, बाल काटने का काम बहुत सारे लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिनको ये काम आता है। और बहुत सारे भाई साहब यहाँ पे मैंने ऐसे देखे जो इंडिया में जिनको नहीं पता वो लोग वहाँ पे बाल काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं? ये बंदा 14 साल से कुवैत में जॉब कर रहा है। अब इसमें कमाई कैसी होती है? देखिए अगर आप मान लीजिए कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में भाई साहब लेबर कैंप बड़े बड़े होते हैं, फ्राइडे की छुट्टी होती है। आप मैंने प्रैक्टिकल देखा भाई साहब, दुबई में तो मैंने खुद देखा लेबर एरिया में, जबलाली में, बहुत सारी जगह में गया था, वहां पे छुट्टी के दिन लोग कैंप में रहते हैं भाई साहब। छुट्टी के दिन 100 दिरहम, 200 दिरहम, 300 दिरहम ऐसे लोग पैसा कमा लेते हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? कंपनी में रह के कमा सकते हैं। बाकी अगर इसमें आजाद वीजा में जाते हैं तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इसमें कमाई के जरिए हो सकते हैं। आप किसी शॉप में ठेकेदारी में काम लग सकते हैं, परसेंटेज में काम होता है भैया, जितनी भी कमाई होगी 100%, 50%, 50% मालिक की, 50% आपकी, या फिर आप अलग इस तरीके से कंपनी में जाके, बहुत सारे ऑप्शन है। ₹1,00,000 आराम से ₹1,00,000 इस जॉब में आप महीना कमा सकते हैं। अगर आपको काम आता है तो ठीक है, वरना भाई काम सीख लो, काम की कमी नहीं है। हालांकि ये वैकेंसीज वैसे नहीं आती है जैसे आप सोचते हैं कि मैं कहीं इंटरव्यू दे दूं, कहीं ऑफिस में आ जाए, ऐसी बहुत कम आती है, मैंने नहीं देखा। हालांकि आती है लेकिन कंपनियां नहीं देती है, कंपनियां क्योंकि वर्कर अपने हिसाब से करते हैं, कंपनी को इनसे लेना देना नहीं होता है, तो वैकेंसी नहीं आती है, इस वीजा को लेना पड़ता है। अगर आप कुवैत जाते हैं ना तो आजाद वीजा ले लो, या फिर जो सैलून से रिलेटेड बहुत सारे उनको वैकेंसी, 2-3 साल पहले एक बार मेरे पास फोन आया, बोला सर हमें 15 ऐसी सैलून वाले वर्कर चाहिए, तो कहने का मतलब कमाई बहुत है इस काम में। और आजाद वीजा पैसा तो एक बार लगेगा लेकिन अच्छा खासा पैसा इसमें ₹1,00,000 से ज्यादा तनख्वाह महीने की कमा सकते हैं गारंटी के साथ। आगे बात करें भाई कुवैत में पैसा कमाने का जरिया, डिलीवरी बॉय। जी हाँ, डिलीवरी बॉय में अच्छी खासी पैसा आप कमा सकते हैं। आप चाहे बाइक राइडर जॉब में जा सकते हैं, या इनके जॉब में, फूड पैकिंग के जॉब में, फूड डिलीवरी के जॉब में सबसे ज्यादा कमाई आप कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप बाइक से करें या फिर कार से, ये दोनों ऑप्शन है और दोनों लोग यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि भाई बात होती रहती है। बाइक ड्राइवरी में कंपनी में भाई साहब लोग ₹50,000 कमाते हैं, गाड़ी में लोग ₹50,000 से 1,00,000 कमाते हैं। अगर आप खुद का वीजा पे भी इस पे आप काम करते हैं कंपनियों के, अगर आपके पास वीजा है खुद अलग काम करते हैं, तो आप 1,00,000-1.5 लाख तक कमीशन काट के पैसा अच्छा खासा इसमें कमा सकते हैं। क्योंकि डिलीवरी बॉय में टारगेट होता है भैया 10-15-20, इससे ऊपर जितना करोगे उतना परसेंट मिलेगा। मेहनत आपके लोग 15-16-17 घंटे 18 घंटे इस काम में काम करते हैं, अच्छा खासा ₹1,00,000 से ज्यादा, ₹1,00,000 कमाने वाला तो मेरे जानकार में भैया मेरे टच में। तो अगर आपकी हिम्मत है तो इस जॉब में आपको या तो काम आता है नहीं आता तो भैया सीख लो, थोड़ा ट्रेनिंग ले लो इंडिया में, ये काम, ये नहीं कि गाड़ी चलाना आ रहा है तो ये काम करो, ये काम थोड़ा सीख लो। इंडिया में बहुत सारे एमएगो है ना, ये क्या क्या नाम है भैया इनके, यहाँ पे आप सीख सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं भैया कार मैकेनिक। जी हाँ, कार मैकेनिक में आप अच्छा खासा पैसा इसमें, अगर आपको इंडिया में कार का काम आता है तो ठीक है मैकेनिक का, वरना सीख लो, 6 महीने में डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको। पता यार कुवैत में देखा होगा भाई साहब, 100 आदमी है तो 99 लोगों के पास कार है। आप सोचिए जहां गाड़ियां होंगी भाई साहब वहां पे काम भी तो ज्यादा होगा ना, काम यार वो सीख के जाओ ना जिसमें आगे आपकी ग्रोथ है, कितना पैसा कमा सकते हो। आजाद वीजा लोग भाई साहब खुद का जाके वहां गैराज बना के अच्छा खासा लोग पैसा कमा लेते हैं। वो शुरुआत हालांकि वो शुरू में का गैराज नहीं बनाते जाते, टाइम लगता है उनको, वो बूस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन अच्छा खासा ₹1,00,000-1.5 लाख आराम से, क्योंकि यार खुद का वीजा आपके पास, कहीं पर भी ओपन में काम करो, हुनर आपके पास, अगला देगा आ जाओ जी मेरे पास। इंडिया के लोग ₹2,000 3-3-4-4 घंटा में कमा लेते हैं, कितना पैसा कमाते हैं आप सोचिए, अच्छी खासी कमाई है। दूसरे नंबर पर आगे अगर बात करें तो भाई साहब कार डिलीवरी। जी हाँ, कार में भी फूड की डिलीवरी होती है और बाइक में भी फूड की डिलीवरी होती है। अब आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कौन से काम में वहां पे जाके सक्सेस होना चाहते हो। आगे अगर बात करें इलेक्ट्रिशियन का, भाई साहब इंडिया में बहुत सारे लोग हैं इलेक्ट्रिशियन के, तो आजकल कोर्स भी होते हैं, डिग्री भी होती है अच्छा खासा। यार इलेक्ट्रिशियन समझ रहे हैं, ये तो हर आदमी की मजबूरी है, शौक नहीं है, मजबूरी है इलेक्ट्रिशियन का। अगर आपको काम आता है, खुद को आजाद होकर काम करते हैं तो अच्छा खासा इसमें जुगाड़ है। रोज हजारों बिल्डिंगें बनती हैं, हर घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। मैं बिल्डिंग में रहता हूं भाई, महीने में 5-6 दिन तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन को आना पड़ता है, समझ रहे, प्लम्बर को आना पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम है। एक ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, इसको सेट करवाया था, 30 मिनट लगे थे, बंदा ₹700 लेके चला गया, 30 मिनट के ₹700, आप कैलकुलेट कर लो भाई। ये है ओपन काम करने का नतीजा, प्लम्बर, हर घर में प्लम्बरिंग की जरूरत पड़ती है, नई बिल्डिंगें बनती हैं, सबसे ज्यादा पैसा इसमें है, अंदर का काम है प्लंबर में। तो इंडिया में भी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इंडिया में ₹1,000 तो सैलरी है, समझ रहे हैं, बाकी अच्छा खासा पैसा इसमें है। तो इस जॉब में भी अगर आप कुवैत में जाते हैं तो भाई साहब आराम से 1,00,000+ ओपन वीजा में अगर आप होके कमाते हैं तो आराम से कमाते। कार वॉशिंग देखने में हो सकता है ऐसा लग रहा है यार कार वॉशिंग कोई काम है क्या भाई साहब, कोई काम जोर है ही नहीं, अनपढ़ आदमी भी ये काम कर सकता है, अनपढ़ आदमी। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपके पास सोन का कुवैत का आजाद वीजा है, ठीक है जी, और आपको ये काम मिल गया, आपको आजाद वीजा में दिहाड़ी में करने की जरूरत नहीं है, टारगेट ले लो जी 100 गाड़ियां मेरे को रोज है ना क्लीन करनी है, और एक गाड़ी का मैं 5 दिनार 5 दिनार 10 दिनार जो भी आपकी 2 दिनार 3 दिनार 1 दिनार जो भी आपकी सेट करते हैं कर लो, कौन मना करता है। एक गाड़ी का मान लो आपको 1 दिनार मिलता है, दिन में आप कितनी गाड़ियां क्लीन कर सकते हैं, कितना पैसा बनता है भाई साहब, 1-1.5 लाख रुपए आराम से बन जाता है, कौन रोकेगा आपको। ये क्या काम दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वेल्डर। जी हाँ, वेल्डर का काम है ये, वेल्डर में नॉर्मल लगता है आपको वेल्डर का,
अच्छा खासा पैसा है बिल्डर की तरह। स्किल्ड जॉब बोलते हैं भाई आप इसको, इसको स्किल्ड जॉब बोला जाता है, यानी आपके हाथ का हुनर है, आप जितना मर्जी पैसा काम कमा सकते हैं इसमें। वीजा आपके पास अगर कंपनी में जाते हैं तो भी लोग भैया 50,000 रुपए तक जो रिटर्नर हो जाते हैं एक्सपीरियंस हो जाता है कमाते हैं, और जिनके पास वीजा खुद का आजाद वीजा हो गया काम कर रहे हैं 1,00,000+ कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे ये वो, लेकिन सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। लोग दुबई में 20,000 नहीं कमाते, लोग दुबई में 20,00,000 महीना कमाते हैं, ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते कि इसमें पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। हां कंपनियों की बात नहीं करता मैं, सिर्फ आजाद वीजा की मैं बात कर रहा हूं जिसको सोन वीजा बोला जाता है। ये क्या दिख रहा है भैया, लोहे का लठ दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप मोबाइल करंट बोलते होंगे शायद, यही होगा भैया, आप ज्यादा आपको ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि आप इस फील्ड में काम करते हैं। क्या है इसमें, नीचे से कोई पड़ा सामान को इस सिस्टम से उठा के यहां रखना, हालांकि और ड्राइवर कहां बैठता है भाई साहब, यहां बैठता है ड्राइवर पीछे वाले में, ड्राइवर को कहां जोर आता है। अगर आपके पास वीजा है, कंपनी में लोग कमाते हैं भैया 50,000-60,000 तो नॉर्मल कंपनी में कमा लेते हैं, अगर लाइसेंस बन जाता है 1,00,000, जी हां 1,00,000 रुपए गारंटी के साथ इस वीजा से आप कमा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। काम का हुनर प्लस आपका एक्सपीरियंस हाथ का हुनर अगर आपके पास है तो इस वीजा में कुवैत में सबसे ज्यादा पगार है, आप ट्राई कर सकते हैं। जो लोग वहां पे रहते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं भाई साहब। और ये इसको ये सेम ही है, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, जी हाँ मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, इसमें क्या फर्क है भैया, सामान उठाने के लगभग इसमें कोई ज्यादा फ्रेम ज्यादा फर्क नहीं है, क्रेन ऑपरेटर में मोबाइल में ये लगभग सेम सी है, तो इसमें भी यही है भैया, यहाँ से सामान हेल्प करना। आपने देखा होगा कई मशीनें ऐसी होती हैं जो ऊपर सामान रखती हैं, कई इधर उधर से रखती हैं, इस पैसे में कितना कमाई है आप सोचिए। इंडिया में बता दूं भाई साहब 30,000 से 35,000 रुपए लोग इंडिया में कमाते हैं जो ड्राइवर हैं वो। अब आप बताओ यार, इतना पैसा अगर इंडिया में ले रहे हैं तो 1,00,000 रुपए क्या आप कुवैत में नहीं कमाओगे? अगर 3 गुना आदमी वहां नहीं कमा रहा है तो वहां जाने का मतलब क्या है? ये बोलते हैं विजिट वीजा में, कंपनी में हालांकि नहीं मिलती है, मैं इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन आपको जाना है विजिट के वीजा का मतलब होता है कि आपको विजिट वीजा वो जो आपको एकदम फ्री होकर काम कर सके, जिसको आजाद वीजा अपनी भाषा में बोला जाता है। जी हाँ, ये आपको मैं लास्ट में वीजा के बारे में बता रहा हूं भाई, ये भी एक वीजा है जो पासपोर्ट में लगा है, ये भी एक वीजा है जिससे आप जाते हैं। अब ये कौन से वीजा से आपकी फ्लाइट होती है, मेरे पास जो इंक्वायरी के लिए वीजा आते हैं ना, जी हाँ 99% वीजा ये आते हैं भाई साहब कि सर हमें जाना है कुवैत का वीजा सही है क्या, ये तो मात्र 1% अगर आ गया तो आ गया, आज तक भैया कोई 2-4 वीजा है, बाकी सब वीजा यही आते हैं। यहां पे वीजा नंबर होता है, आपको एजेंट बोलता है जी चेक कर लो, आप चेक करते हैं ले भाई वीजा तो वैलिड दिखा रहा है, ये वैलिड हो गया जी आपका वीजा, ओके आप जा सकते हैं। कईयों पे वहां एंट्री वीजा लिखा है, प्राइवेट वीजा लिखा है, अलग-अलग कैटेगरी लिखी है, लेकिन इस वीजा से आप वर्क परमिट वीजा काम करने के पर्पस से नहीं जा सकते। अगर आपके पासपोर्ट में ऐसा वीजा लगा हुआ है तो ही आपकी फ्लाइट हो सकती है। ऐसे वीजा के लिए पहले ये आता है जी, ठीक है पेपर वीजा, उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, ठीक है, उसके बाद उससे पहले या बाद में आप पीसीसी करवा सकते हैं। आपका ये वीजा हो गया, आपका पीसीसी, आपका मेडिकल हो गया, पीसीसी हो गया, बाद में आपका जो अग्रीमेंट होता है ओरिजिनल कॉपी, ये सब वीजा, ठीक है जी, ये चारों चीजें कहां जाएगी, कुवैत की एम्बेसी, जी हाँ जो दिल्ली है, कहां कहां जहां जहां है जिस तरीके से सबमिशन आया होता है वहां जाती है, वहां ये वीजा 10 दिन में आपके पासपोर्ट में स्टंप हो जाता है, जिसको ये कुवैत का वीजा बोला जाता है। अब इस वीजा के प्राइस की बात करें तो भाई साहब आप देते हैं 1,00,000 रुपए लगभग 1,00,000 रुपए मुझे जहां तक पता आप आराम से दे देते हैं एजेंटों को, जबकि आप अगर यही काम दिल्ली या फिर बम्बई या बड़ी ऑफिसों में करवाते हैं जिनका डायरेक्ट लिंक होता है, 30-35 हज़ार से ज्यादा आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और वही काम अगर आप राजस्थान में या फिर लोकल कराओगे तो 1,00,000 रुपए तक चला जाता है। राजस्थान में भी सब एजेंट के पास जाओगे तो 80-70 तक काम हो सकता है, फिर भी आपके बीच में एजेंट होता है तो 1,10,000। तो आज से 15 साल पहले मेरे भाई देखे गए थे भाई साहब, 1,10,000 रुपए आज से 15 साल पहले एजेंट को दिए थे, आप सोच लो, आप समझ रहे हैं, तो इतना पैसा लोग खाते हैं जब हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं था। तो ये सब कुछ जानकारी मैंने कुवैत से रिलेटेड दी है। अब इसमें कमेंट नेगेटिव लोग कर सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, बाकी 100% राइट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बातें मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर करता हूं, मैं अपने आप जनरेट नहीं करता हूं। कुछ बातें होती है ये जॉब मैंने अपने हिसाब से बताएं कि आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।